क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ट्रेन जो है वह 90 किलोमीटर पर आवर से जाता है फर्स्ट 10 मिनट में, 60 किलोमीटर पर आवर से नेक्स्ट 25 मिनट्स में, और 15 किलोमीटर पर आवर से जाता है लास्ट 4 मिनट में। तो हमें बताना है इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो जब भी हम बोलेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल जो डिस्टेंस है ना, इसको हमें टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, टोटल टाइम। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा। 90 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है 10 मिनट्स, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/60, प्लस 60 के रफ्तार से जा रहा है 25 मिनट्स में तो 25/60, और 15 के रफ्तार से जा रहा है कितना देर, और 4 मिनट्स तक, तो 15 × 4/60। ये तो हो गया। दूसरी बार टोटल टाइम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट्स प्लस 25 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60। तो ऊपर नीचे 60 और 60 कैंसिल हो जाएगा अगर हम ध्यान से देखें तो। बचेगा कितना, 900 प्लस 25 × 150, सो 1500 प्लस 60, और नीचे आ जाएगा आपका कितना, 39। तो 1500 और 900 होगा 2400, तो ऊपर आ गया 2460, नीचे है 39, ऊपर नीचे 3 से कैंसिल करेगा तो ये 13 टाइम्स में चला जाएगा, और 820 ऊपर आ गया है, तो 13 × 78 और 3 1/13 किलोमीटर पर आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 63 whole 1/13 किलोमीटर पर आर, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे जो काम का चीज़ था बस यही है कि एस एवरेज या फिर जो एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला क्या है। एक बार ये फॉर्मूला क्लियर है तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आप टोटल डिस्टेंस लिखिए डिवाइडेड बाई टोटल टाइम और आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सलूशन मिलेगा आपको डिटेल में, और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सोल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।